1344 हिजरी में जन्नतुल बकी मुनहदिम किया गया था सऊदी हुकूमत के हाथों, और ये 1444 हिजरी है यानी 8 शव्वाल की तारीख जो आएगी ईद के बाद, 8 शव्वाल मुकर्रम सन 1444 हिजरी, तो 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। बनारस के मोमिनीन जिस तरह से हमेशा इन तमाम मौके पर यादगारी प्रोग्राम मुनक़िद करते रहे हैं, उसी सूरत से ज़रूरी है कि 100 साल प्रोग्राम भी जन्नतुल बकी के सिलसिले में और इन्हदाम जन्नतुल बकी की यादगार के सिलसिले में ज़रूर बड़े पैमाने पर मुनक़िद किया जाए। इस सिलसिले में गुज़श्ता हफ्ते चौक में एक मीटिंग मुनक़िद हुई थी, चूँकि अंजुमन हैदरी की जानिब से जुलूस उठता है, पहले पूरे शहर में तमाम अंजुमन जुलूस उठाती थी और एहतजाज होता था नौ मातम के साथ एक जगह पे एक मरकज़ पे जमा होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला ख़त्म होता गया। अब सिर्फ एक अंजुमन हैदरी बची हुई है कि जो जिसने इस चीज़ को ज़िंदा रखा है, काली महल की मस्जिद से जुलूस उठकर जामे मस्जिद में आता है और फिर नौ मातम मजलिस वगैरह मुनक़िद होती है, चाहे अफराद मुख्तसरी से क्यों ना हो। लेकिन इस साल सूरत हाल ये बात तय की गई है कि अंजुमन हैदरी के बैनर के नीचे जो प्रोग्राम हमेशा मुनक़िद होता है उस प्रोग्राम को इस साल बड़े वसी पैमाने पर मुनक़िद किया जाए और तमाम शहर के अफराद मोमिनीन और मोमिनीन के साथ साथ खास तौर पर तमाम अंजुमने अपने अपने बैनर और अपने अपने अलम के साथ कसीर तादाद में शिरकत करें, ताकि वहां से जुलूस उठकर जब मस्जिद में आए तो लोगों को एहसास हो कि कोई खास दिन है, कोई खास मौका है, कोई खास मौजू है जिस सिलसिले में यह कौम एहतजाज कर रही है। उसका तरीक़ाकार, उसकी तफसीलात तय होगी, वह आप तक मुंतकिल की जाएंगी। मैं खुलासे के तौर पे आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ कि उस प्रोग्राम में कि जो काली महल से जुलूस की शक्ल में शुरू होता है और यहाँ पे आके ख़त्म होता है, सबकी शिरकत वसी पैमाने पे ज़रूरी है। लिहाजा अपने आप को भी आमादा रखिए और अपने साथ साथ अपने महल्ले के लोगों को, अपने घर के लोगों को और अंजुमन के अफराद को भी आमादा कीजिए, अंजुमन आपको आमादा करे, आप अंजुमन को आमादा कीजिए, और किसी तादाद में और किसी भी अंजुमन का ख़ास प्रोग्राम इसे तसव्वुर न कीजिए, बल्कि ये बनारस के तमाम मोमिनीन का प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम जो हर साल होता है जुलूस की शक्ल में, ये मुनाकिद होगा और इंशाल्लाह पूरा शहर शिरकत करेगा। उसके साथ साथ दूसरा प्रोग्राम खुद आपकी जानिब से मोमिनीन बनारस की जानिब से इंशाल्लाह मुनाकिद होगा, उसके लिए एक कमेटी तश्कील पाएगी और वक्त और दिन और तारीख वगैरह तय होगी, सूरत हाल और तमाम तफसीलात आपके सामने लाई जाएंगी। उसमें भी आपको उसी सूरत से शिरकत करना है और अपने जज्बे ईमानी का सबूत पेश करना है जिस तरह आपने 2019 में मौलाए यानी सन 1440 हिजरी में मौलाए मुत्तकियान अमीर मोमिनान गालिब कुल गालिब असदुल्लाह गालिब अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत की 1400 साल यादगार मनाने के सिलसिले में जिस तरह से आपने अपने जज्बे ईमानी का सबूत दिया था और काफ़ी वसी पैमाने पर काफ़ी बड़ी तादाद में शिरकत फरमाई थी, उसी सूरत से इस प्रोग्राम को भी इंशाअल्लाह इस अंजाम देना है। याद रखिए कि खुद तादाद सबसे बड़ी ताकत है, आप चाहे जबान से मुतालबा करें ना करें, लेकिन ये कि तादाद बहुत बड़ी ताकत है, लिहाजा हमेशा तादाद पर जोर दीजिए और मुत्तहिद होकर तमाम उमूर को, तमाम प्रोग्रामों को कामयाब से कामयाब तर बनाइए और इमाम ज़माना की बारगाह में पुरसा पेश कीजिए। और हम सब दुआ करें कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द जन्नतुल बकी के तामीर के असबाब और वसाइल फराहम हों।